इस वजह से हम लोगों ने पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है, किसी व्यक्ति विशेष से हमको कोई वो नहीं। तो ये लोग अगर मिलके सब काम करते पार्टी को जिताने के लिए तो पार्टी 100% यहाँ की जीतती। पूरी जानकारी और पूरे LIV को ध्यान नहीं दिया और टिकट रिपीट कर दी, अगर ध्यान दिया होता तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते। नमस्कार, मैं हूँ विकास वर्मन, आप देख रहे हैं IVC24 का खास चैनल IVC24 महाकौशल। हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जो कि भाजपा नेत्री हैं, उन्होंने बीजेपी को पूरी तरीके से त्याग दिया है। उनके साथ उनके पति विनय दीक्षित भी हैं जिन्होंने भाजपा छोड़ दिया है। जी हाँ, ये बात सही है, भाजपा नेत्री ये महापौर प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से संदीप जायसवाल को इस विधानसभा में टिकट मिली है वे उनसे नाखुश हैं। आइए हम उन्हीं से बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण था, उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी। ज्योति जी, जिस तरीके से आपने कल पूरी मीडिया के सामने और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने बोला है कि हम भाजपा छोड़ रहे हैं, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये है भाई साहब कि जो मुड़वारा विधानसभा में टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो हमारे सहयोगी और हमारे द्वारा पूर्णतः गलत सा, मतलब गलत लगा हमें। ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अगर वो देते, किसी मतलब अच्छे व्यक्ति को, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो पार्टी के प्रति ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आप अच्छा व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यू विधायक बनते आ रहे हैं और लगातार उनकी शहर में भी छाप है, तो क्या वो अच्छे आदमी नहीं है? पिछले महापौर के चुनाव में जो मेरा चुनाव था उस पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीट थी, ये आराम से जीत सकते थे अगर यहाँ पर पार्टी के जो बड़े पद में लोग बैठे हुए हैं, चाहे विधायक जी हों, चाहे अध्यक्ष जी हों, चाहे कोई और हो, चाहे पूर्व महापौर जी हों, अन्य पदों में भी कई बड़े बड़े लोग थे, तो ये लोग अगर मिलके सब काम करते पार्टी को जिताने के लिए तो पार्टी 100% यहाँ की जीतती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये जो शीर्ष पदों में लोग बैठे हुए हैं इन्होंने पार्टी के लिए तन मन से कोई काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से पार्टी की सीट हार गई। और अब पुनः पार्टी अगर इन्हीं को ही इनमें से ही किसी को अगर टिकट दे के सामने ला रही है तो हम सभी इसका विरोध करेंगे। आपका क्या कहना, संदीप जायसवाल ने आपका साथ नहीं दिया था क्या महापौर चुनाव में? अगर वो साथ देते तो क्या बताइए सीट हारती है, बताइए। विधायक हैं वो यहाँ के, इतने 2-10 साल के वो विधायक रह चुके हैं, कितना उनका जान पहचान परिचय, उनके सब वो जनता उनके लिए सब वो रहते, सब समर्पित रहती है। अगर वो चाहते तो क्या जनता उनका नहीं सुनती? तो वो तो नहीं इसी के ठेस को लेकर या इसी तरीके की मन में बातें बनाकर आप इस्तीफा दे दिया भाजपा से? ये बात नहीं बनाकर हम लोगों ने दिया है, मतलब ये दिया है कि जो व्यक्ति ऐसा पार्टी के संग कर रहा है और पार्टी फिर से उनको मौका क्यों दे रही है, इस वजह से हम लोगों ने पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है, किसी व्यक्ति विशेष से हमको कोई वो नहीं है। पार्टी से क्या आपकी कोई नाराजगी? पार्टी से नाराज़गी ये है कि उनका जो ये जो उम्मीदवार का उन्होंने चयन किया है ये किस आधार पर उन्होंने किया, ये मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा। LIV में भी देखा, हमारे साथ विनय जी भी हैं, उनसे भी बात करने चाहेंगे। क्या कह रहे थे विनय जी? अगर जो पब्लिक की LIV चलते हैं, जिसको जो गई है उसमें भी इनका नाम नहीं है, हम लोग का नाम गया जहाँ तक मेरे पास जो जानकारी है। और आज पार्टी ने इनको पुनः टिकट दे के, या तो कोई दबाव है या पार्टी की सोचने और समझने की क्षमता कटनी मुड़वारा सीट में कमज़ोर हो गई है और दबाव के चलते या कोई बड़ा नेतृत्व इनको सहयोग कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं। कटनी के विकास के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व को चुनना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। रीति नीति में बदलाव कारण हम पार्टी छोड़े हैं। कटनी जिले में 4 विधानसभा है, बीजेपी पार्टी ने सिर्फ क्या मुड़वारा में ही गलत टिकट दी है क्या? अब हम मुड़वारा के निवासी हैं, मुड़वारा के कार्यकर्ता, मुड़वारा की नेतृत्व करते हैं और पूर्व में मुड़वारा से जो महापौरी सीट है उससे चुनाव लड़े, तो हम कटनी की बात कर सकते हैं। पूरे शहर की, देश की, जिले की बात करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। तो आप इस शहर में रहते हैं, आप महापौरी लड़े हैं, तो आपको 4 विधानसभा तो होगी कि उन विधानसभाओं में भी गलत टिकट बटी है? नहीं, कटनी मुड़वारा विधानसभा में हमारे हिसाब से जो हमारी जाए वो गलत टिकट बटी है भारतीय जनता पार्टी की। आपके साथ ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भाजपा छोड़ा? हजारों की संख्या में थे, कल आपने देखा जैसे बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता का और पदाधिकारी हमारे साथ हैं। और इसका सही उत्तर जो आप जानना चाहते हैं वो 3 तारीख को, दिसंबर को, जनता और कार्यकर्ता सब मिल के देंगे। वो रिजल्ट बताएगा कि ये हमारा जो निर्णय है ये जनता का निर्णय है और सही निर्णय है। क्या आप अभी निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं आप दोनों? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, जैसा जनता का और हमारे कार्यकर्ताओं का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, उनके सहयोग से काम करेंगे। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या था? आज हम ज्योति विनय दीक्षित मित्र मंडली जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, मैंने और मेरे सभी सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है प्रेस नोट के माध्यम से। किस कारण?
हम सभी जो अभी टिकट वितरण किया गया है विधायक पद के लिए उससे नाखुश थे। कहाँ के विधायक? कटनी के। कौन सी विधानसभा? बुढ़वारा विधानसभा। क्या आपके द्वारा भी टिकट की मांग की गई थी? मेरे द्वारा भी मांग की गई थी। ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से आज आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है और कटनी के जनता के अनुसार टिकट का वितरण नहीं किया गया। जिन्हें टिकट कटनी मुड़वारा 93 से मिली है वो वर्तमान में जनता के हित के और जनता के पसंद के प्रत्याशी नहीं है और हम भी उन्हें नहीं पसंद कर रहे और हमारे कार्यकर्ता भी, इसलिए हमने पार्टी से आज त्याग पत्र दे रहे। पार्टी ने आपको मेयर कैंडिडेट बनाया था, फिर ऐसी एकदम से क्या नाराजगी? मेयर कैंडिडेट के रिजल्ट और मेन कैंडिडेट की आप प्रचार के समय को आप समझ सकते हो क्या हुआ उस समय, वही कारण है जो आज मैं पार्टी क्या खुल के बताइए। पार्टी के जो मुख्य लोग हैं उनमें हो सकता है ये जिनको सीट मिली ये भी हैं, इन सबों लोगों ने पार्टी के प्रति ईमानदारी से कार्य नहीं किया और इनके वीडियो भी तक वायरल हुए, आप लोग के पास भी आए होंगे कि इनने किसका काम किया, किसका समर्थन किया, क्या किया। इनने उसके बाद कार्यकर्ताओं से बात करने का तरीका भी उचित नहीं रहा उस चुनाव के समय भी, अभी भी और पूर्व में भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता ऐसे व्यक्ति को कटनी का विधायक का प्रत्याशी बनाना चाहिए। पार्टी का सीधा ये आरोप है कि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने मेयर पद के लिए अगेंस्ट काम किया है। जी हाँ, आपको हरवाने में घूम, ये तो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। समझदार हम लोग कुछ नहीं समझते। अगर हम आज पार्टी छोड़ रहे हैं तो इसका उत्तर आप खुद निकाल सकते हैं। इसकी शिकायत आपने पार्टी के अंदर किया था पहले? पार्टी के लोगों सबको मालूम है, इसलिए तो दुखी कि पार्टी जानने के बाद उन्हें टिकट दे रही है। आपके साथ कितने लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं? हजारों की संख्या में, और ये इस्तीफा नहीं, ये आने वाला 3 दिसंबर का रिजल्ट बताएगा कि हमारे साथ और इस गलत निर्णय पार्टी जो लिया टिकट का इसके साथ कौन कौन है ये रिजल्ट बताएगा। क्या आपके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। आपका अगला स्टेप क्या होगा? जनता की सेवा मुख्य उद्देश्य रहेगा, जिसको हम जब तक जीवित रहेंगे दोनों मियां बीवी बिना किसी पार्टी में जुड़े हुए जनता की सेवा, कटनी की जनता की सेवा करते रहे। उनका जी टिकट कटती है तो उसके बाद क्या शामिल होंगे भाजपा में? सही व्यक्ति को मिलेगी तो बिल्कुल शामिल होंगे, इसीलिए तो हटे हैं कि अगर अच्छे व्यक्ति को मिलेगी तो पूरे तन मन से कागज से सेवा करेंगे ईमानदारी के साथ और उनको जिताने में पूरा पुरजोर सहयोग करेंगे। पार्टी ने भी अपना सर्वे कराया होगा, बहुत कुछ सोच समझ करके। ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, सर्वे में भी उनका नाम जीरो में है, इसकी भी जानकारी जहां तक मेरे पास जो आई तो उनका नाम सर्वे में अच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी भयभीत है उनसे और कहीं ना कहीं उनका जैक जुगाड़ अच्छा होगा इसलिए उनको पार्टी टिकट दे। जो जनता में नहीं है, भोपाल की नेतागिरी और यहाँ वहाँ सेटिंग का है लेकिन जनता में नहीं है, तो उसका रिजल्ट जनता देगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में जैक जुगाड़ भी चलता है? आज की जो टिकट है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बांटी जा रही है, तो आपका सीधा सीधा आरोप केंद्रीय नेतृत्व पर है। फिर से आपका जो आरोप है टिकट का वितरण केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है, तो आपका सीधा सीधा आरोप ये है कि केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं भ्रमित, या तो उनने पूरी जानकारी और पूरे LIV को ध्यान नहीं दिया और टिकट रिपीट कर दी। अगर ध्यान दिया होता तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है। अगर जनता आपको चुनाव लड़ाएगी तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, जनता के साथ रहेंगे, जनता जो बोलेगी, जनता ये कल से हमारी कार्यवाही रहेगी, विधि रहेगी, उनके बीच में जाके उनसे स्पष्ट पूछना है और वो जो बोलेंगे वो करना है। कोई अन्य पार्टी आपको अपना प्रत्याशी बनाती है तो उस स्थिति में? अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है, अब अन्य पार्टी जो दूसरी पार्टी बची है तो वो इनसे भी बड़ी वाली है तो उसमें तो नहीं जाएंगे। जिस तरीके से विनय ज्योति दीक्षित जी जो हमारे से बात कर रहे थे उनका ये कहना है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का अभी उनका कोई ऐसा निर्णय तो नहीं है, यदि जनता और उनका कार्यकर्ता जो उनके साथ BJP छोड़कर वापस आए यदि वो कहता है तो वो चुनावी मैदान में निर्दलीय जरूर उतरेंगे। IVC 24 के लिए विकास वर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।